जीतू भाई भेज दिया, तीन चार वीडियो बनाया, वैसे करना जरा ठीक है। कंफर्म करो सर, बोले वो भेजा नहीं, ये हो गया, भूल गया भूल गया। हाँ 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 मिला, बहुत प्यारा गाना है, आप सब लोग देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये गाना जब पहली बार मुझे साजन भाई ने बताया, बहुत सुंदर लगा सुन के, इतना प्यारा लिखा है, इसका म्यूजिक इतना अच्छा है, और ऋषभ ने गाया भी बहुत प्यारा है, इन्होंने लिखा बहुत अच्छा है। सुन के मेरे को ना आंखों में आंसू आ गए थे, इट्स वेरी इमोशनल सॉन्ग। और सबसे बड़ी बात, ये गाना करने के लिए मुझे मेरे बेटे के साथ मौका मिल गया, फर्स्ट, इतने सालों के बाद उसका फर्स्ट है, मेरा इतने सालों के बाद फर्स्ट है, तो हम दोनों को साथ में चांस मिला। फिर बबीता को मिली, दोनों बच्चों को मिली, सारे लोग, इतना अच्छा, मतलब एक एटमॉस्फेयर था, इतना, सुबह गाना शुरू हुआ, रात को ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला कैसे शुरू हुआ कैसे ख़त्म हुआ, इतना होमली एटमॉस्फेयर था, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना स्मूथली सब कुछ हो गया, सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। मैं चाहती हूँ कि बस सब कुछ, जैसे इस गाने में सब अच्छा हुआ है, आगे भी सब अच्छा हो, और सब जितने भी यहाँ पर सब लोग हैं, हम लोग सबको मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आपका प्यार इस गाने को मिले, अभी आधे घंटे बाद ये गाना हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी क्लैप देसी म्यूजिक पे आएगा, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें और लाइक करें, और आगे सबको बोलें कि ये गाना आ गया है देखें। अब मैं ऋषभ को बोलूँगा कि वो चार लाइनें गा के भी बताएँ और बताएँ कि उनकी जर्नी कैसी रही इस गाने के साथ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं सर ऋषभ क्री, आई एम सिंगर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक साजन जी फॉर अमेजिंग सॉन्ग, बिकॉज सर ने जो लिरिक्स लिखे हैं बहुत बहुत अमेजिंग है, आप सबको पता है सर सर का टैलेंट, एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने इस गाने पे अपनी एक्टिंग करी और बहुत बहुत अच्छा, स्पेशली हिदायत भाई, अमेजिंग मैन, लाइक हम लोग वी हैड अ फन, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शूटिंग के टाइम पर फन करा था, एंड थैंक यू सो मच फॉर द होल टीम फॉर मेकिंग दिस सॉन्ग नो पॉसिबल, बिकॉज आज जो भी हो रहा है यहाँ पे, विदाउट द टीम इट्स नॉट पॉसिबल, एंड द कैप्टन ऑफ आर टीम साजन सर, सो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर साजन जी, इट्स अमेजिंग हार्ड वर्क यू हैव डन इन द सॉन्ग, सो नाउ एज अ रिक्वेस्ट आई सिंग द सॉन्ग। साए मैं तेरे में रहूं बस ये मन्नत है, साए मैं तेरे में रहूं बस ये मन्नत है, आ चल तेरा ओ माँ मेरी तो जन्नत है, आ चल तेरा ओ माँ मेरी तो जन्नत है, तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरा जहां, अब तो मेरी किस्मत तेरे कदमों के निशान, ओ माँ माँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम लोग एक इसकी जो हमारी सीडी है उसको एक लॉन्च करेंगे, फिर गाना दिखाएंगे आपको, तो प्लीज पप्पू मोबाइल, अरे ये कैमरा, ए भाई ए भाई यहां कहां से आ, कैमरा पीछे करो, इधर देखने के लिए ऑप्शन दे दो। Yeah, ma'am, look here, ma'am, look here. Madam ji. Abda, come and check her. Madam ji, yeah, but...
Yeah, wait. Allow me, please. Yeah, wait. Come here, boy. Done? चलो बच्ची तो बच्ची आई बच्ची आई स्पाई का बच्ची को अंदर नहीं लुक यार यस थैंक यू मैं आता चलिए सब लोग अभी बाहर करेंगे इंटरव्यू तो गाना देख लेते हैं ओके स्पीक लाउड मैम सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है अपना और कांग्रेचुलेशंस गाने के लिए थैंक यू मैम कमबैक थोड़ा सा बताइए कि कितना एक्साइटिंग हो रहा है ऑडियंस को क्या आपने देखने को आया है बहुत अच्छा गाना है आपने देखा है ना अभी जी आपको कैसा लगा बस सबसे सोच लीजिए बहुत ही अच्छा लगेगा सबको बहुत अच्छा मैं यहीं थी बस ऐसे ही उस वक्त नहीं करा कुछ ठीक नहीं लग रहा था और बस इसीलिए अभी जब होना था तो हो गया ना तो ऐसा गाना मिला था इनको और ना मैं मिला था थोड़ा लेट मिला मतलब पुराने बहुत रिलेशन है लेकिन बीच में थोड़ा गैप मिल पाया गैप हुआ और बोलते हैं ना जब जो चीज़ होनी होती है तभी होती है तभी होती है हाँ ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मंदाग्नि जी का नाम मेरा नाम मंदाग्नि जी के साथ जुड़ा और ये गाना रेडी हुआ और देखिए इतने सालों के बाद जो मुझे लेकर आए वो ये हैं तो मेरे लिए उतने इम्पोर्टेंट है और आज इस हमारी कन्वर्सेशन में इस पार्टी में इस लॉन्चिंग में चार चांद लगा दिए हैं विभू अग्रवाल जी ने अतरंगी और उल्लू के सीईओ हैं और मेरे भाई हैं आए अपना टाइम निकाल के कीमती वक्त निकाल के तो मैं थैंक्स कहूँगा सर को भी गाना मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा है जिस तरीके से क्योंकि अभी तक गाने जितने भी एल्बम सॉन्ग्स बनते हैं वो रोमांटिक बनते हैं या बहुत ही रोने धोने वाले टाइप के बनते हैं जो माँ है मतलब जो जिसने हम सबको जन्ना है उसके ऊपर आज तक इस तरीके का गाना कभी भी आया नहीं मार्केट में किसी ने भी माँ को लेकर के मतलब कोई भी आज तक इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड और इतनी बढ़िया तरीके से इसको मार्केट किया गया है और जिस तरीके से साजन भाई ने आज इस तरीके का एक एल्बम सॉन्ग का पर्टिकुलर माँ को जिस तरीके से इस सॉन्ग में दर्शाया है और उसकी एक इम्पॉर्टेंस बताई है कि हर पल माँ जो है ना वो अपने बच्चे के लिए किस तरीके से परेशान रहती है और कितना इमोशनली वो उसके साथ जुड़ी होती है तो ये पूरे गाने में मतलब दिखाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एक साजन जी ने इसका मैम मंदाकिनी मैम के साथ ये थॉट लाना ये सोचना कि ये इस तरीके का हम एक सॉन्ग बना सकते हैं एज ए एल्बम सॉन्ग उनके बेटे को ले करके इस तरीके से लाए तो एक बहुत ही अच्छा इस तरीके की चीज़ को एक माँ को हम लोगों के सामने एज ए एल्बम प्रस्तुत किया तो ये बहुत ही अच्छा एक वो था शुरुआत थी जो इसका मुझे लगता है कि आगे भी इस तरीके का इसी उस पैटर्न पे और भी बनना चाहिए कि माँ किस तरीके से और बच्चों को क्या इसका वो रहता है पालन पोषण और आगे तक फिर बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई या जॉब करने के चक्कर में आगे चले जाते हैं और एक माँ रहती है जो सिर्फ एक यादें ले करके बैठी रहती है तो इसको आगे भी बना सकते हैं साजन भाई का इसमें आगे वो भी होगा जी सीक्वल भी बनेगा इसका सीक्वल करेंगे इसका पार्ट टू बनाएंगे हाँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब पहली बार मिले थे बिकॉज हमको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ सर को मुझे सर से मिले हुए एंड बात ये हुई थी कि मैं सर से मिला और उन्होंने मुझे बोला कुछ गा के सुनाओ, मैंने सिर्फ गाई दो लाइन एंड उसके बाद सर ने बोला एक काम करो ये लाइन लो, ये लिरिक्स से ये गाना है आपको गाना है और ये गाने के ऊपर मंदाकिनी मैम एक्ट करेंगे। मुझे जैसे पता चला मैम करने वाले सी गाना दूर की बात सब दूर की बात, वो मेन चीज़ है कि आप वहीं पे प्राउड फील करते हो बिकॉज मैम के लिए मैं तो एक बहुत सबसे छोटा इंसान हूँ जिसने गाना गाया, लता जी ने गाया बता बड़े बड़े सिंगर्स ने गाया, तो मेरे लिए वो प्राउड की बात थी कि मेरा डेब्यू गाना और मेरे डेब्यू गाने के ऊपर मैम एक्ट कर रहे हैं और राबिल भाई सब होता है तो उन्होंने भी एक्ट करा, तो मेरे सबसे मेन प्राउड की बात यही थी इसके। थैंक यू। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि हमने साजन सर के साथ किया तो ऐसा लगा ही नहीं कि कोई यू नो कोई नए लोगों के साथ हुए, एटमोसफियर बहुत होमली था और इन्होंने गाना इतना अमेजिंग गाया है कि वो सुन के एक इमोशंस आ जाते हैं और बस ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मॉम ने बस यही बोला था कि जो भी करो यू नो अपना फुल डेडिकेशन देके करो, जैसे हो वैसे ही रहो और जस्ट गिव इट योर बेस्ट और बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस। फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला करने का और मेरी खुशनसीबी कि वो फर्स्ट टाइम मॉम के साथ ही हुआ, you know, to see myself on the big screen for the first time and that also with my own mom was amazing. ये तो मेरा ही आइडिया था, साजन सर का आइडिया, ये मेरा आइडिया था, मैं मिलता रहता था क्योंकि फैमिली रिलेशन है, मेरठ से ही हैं हम लोग और इतना पुराना रिलेशन है तो जब अभी हम दोबारा मिले तो मैं तो रबील को बहुत छोटा देखा था मतलब बीच बीच में, तो मैंने कहा कि साथ में कुछ करते हैं मिलके, तो क्या कर सकते हैं, सिनेमा बनाना अलग हो जाता है, चीज़ें अलग, एक गाना था मेरे पास चार लाइनें बस, तो मैंने कहा गाना करते हैं माँ ओ माँ, बस मेरे पास इतना ही था और मैंने मैम को ये गाना की लाइनें सुनाई, ये बोले बहुत अच्छा है इसको रिकॉर्ड करो, हमने गाना रिकॉर्ड किया, ऋषभ भी अचानक मिला और चीज़ें होती गई, मतलब वही है कि लोग मिलते गए और कारमा बनता गया और आज गाना आपके सामने। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे टेक्निकली बहुत एडवांस हो गया है जो बहुत अच्छी बात है और अच्छी स्टोरीज आ रही हैं जो पहले शायद वुमन औरतों के ऊपर इतना अच्छा स्टोरीज नहीं बनती थी लेडीज़ के ऊपर ना, तो अभी बहुत ज़्यादा उनको मतलब अच्छा काम मिल रहा है विच इज़ वेरी गुड और एक एज एन आर्टिस्ट आपको ग्रो करने का मौका मिलता है, आपको बहुत कुछ दिखाने का मौका मिलता है, वो भी बहुत अच्छी बात है, तो अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है सब अच्छा ही, जो भी चेंज आया अच्छे के लिए है जी। पहली लिस्ट तो मेरी है, अभी तो मेरे साथ ही काम करना चाहती हूँ, अभी शायद हमारे यहाँ सेकंड मूवी भी शायद इन्हीं के साथ होगी, नहीं अभी देखिए स्टोरीज तो बहुत सुन रहे हैं लेकिन अभी कौन सी पहले आएगी कौन सी फाइनल करेंगे वो मुझे भी नहीं पता है, तो जब हो जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। राकेश इनसे बच्चों से भी तो पूछ ले भाई, दो प्यारे इनके एक्सपीरियंस, हाँ इन छोटे बच्चे, मैं तो सबसे पहले साजन सर को एंड मंदाकिनी मैम को थैंकफुल करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतने बड़े एल्बम में मुझे लिया एंड और जब तक मैं इन सब चीज़ों के पीछे मेरी मॉम का हाथ है, मेरी मम्मी नहीं मेरे को इतना आगे तक लाया है एंड मैंने बहुत मस्ती करी थी सेट पे एंड बहुत अच्छा रहा था मेरा, बहुत प्यारे बच्चे हैं दोनों बेटा, तुम अच्छा बोलो। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ पर लाया था और मैंने सबसे ज़्यादा परेशान मुस्कान दीदी को किया और बहुत मज़ा आया। बोलो बबीता। बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रही, ओवरऑल आई एम वेरी ब्लेस्ड और आई विश हम आगे भी काम करेंगे मैम के साथ, राबिल सर के साथ एंड साजन सर के साथ, लेट्स सी।
इसका एक्सपीरियंस मैंने अपनी मदर के अंदर देखा है। मेरा बड़ा भाई काफ़ी सालों के लिए बाहर चला गया था, अभी यहीं पर है वो, अब वापस आ गया है। तो जब वो चला गया था तो मेरी मॉम बहुत रोती थी उनको याद करके, तो मुझे पता है कितनी तकलीफ़ होती है। बट अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो है ये एक्चुअल में होता है, ये चीज़ें होती हैं। वो नेचुरल था, नेचुरल था। हम लोगों ने मैम को बोला कि ग्लैसरीन के लिए बोली कि अच्छा लेके आओ आप, लेकिन मेकअप मैन दूर था, इतने बोले कि एक टेक कैसे रिहर्सल करते हैं। तो यकीन मानिए वो रिहर्सल टेक है जो हम लोगों ने लगाया है, तो मैम जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अभी भी गाना सुनती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, तो गाना ही ऐसा है, तो बहुत प्यारा गाना है। तो मेरे को लगता नहीं कि उसके लिए किसी को भी एक्स्ट्रा कुछ ग्लैसरीन डालने की ज़रूरत पड़ती है। गाना हो गया है रिलीज़ भाई 5 बजे। मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ देखें और फिल्मी क्लैब देसी म्यूज़िक को सब्सक्राइब करें, देखें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अच्छाई बुराई जो भी हो दिल से लिखें। जी जी, कुछ ना सोचें, ये ना सोचें कि क्या होगा, लिखिए प्लीज़। और चाहता हूँ मैं देखें लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा, और मैम के लिए देखें, हम तो क्या हैं, मैम के लिए देखें। इतने साल बाद उनको देख रहे हैं, और रबील भाई हैं, बबीता है, ये हमारे दोनों बच्चे हैं चिराग और सिमरन, और ऋषभ का पहला गाना है, और सब हैं। और बीबू जी भी देखिए सारथी बने हैं, सारथी हो गए ना इस गाने के बीबू जी, तो सबका प्यार मिले बस यही चाहेंगे। और थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग आए, और सब लोग आए हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ नाश्ता करके जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ आइए आइए।